दोस्तों 6 जून को एक मीटिंग हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यकर्ता और अर्जेंटाइन मिलिट्री चीफ एंड इनके टेक्निकल टीम के साथ। मीटिंग के दौरान इन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ इम्पोर्टेंट मुद्दों पे कोलैबोरेशन एंड LCA तेजस को लेकर बातचीत करी। साथ ही बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे कि प्रचंड और ALH ध्रुव को लेकर भी इनके बीच डिस्कशन हुए हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर तेजस के चर्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस मीटिंग में चीफ ऑफ अर्जेंटाइन एयरफोर्स शामिल थे, जो कि है ब्रिगेडियर जनरल जेवियर आइजैक। साथ ही इंडियन एम्बेसडर टू अर्जेंटीना दिनेश भाटिया भी इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स अपने बेड़े में एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहती है, जिसके लिए दो ऑप्शंस पर इनके द्वारा विचार किया जा रहा है, जिनमें से एक है हमारा तेजस और दूसरा है चाइनीज FC-1, जिसे पाकिस्तान में ज्वाइंट फाइटर 17 भी कहा जाता है, यानी JF-17। तो एरो इंडिया 2022 के दौरान भी अर्जेंटीना ने तेजस पर इंटरेस्ट शोकेस किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका झुकाव FC-1 की तरफ ज्यादा था, क्योंकि चाइना द्वारा ये डील ज्यादा मात्रा में इन्हें पुश किया जा रहा था और चाइना FC-1 का एक प्रोडक्शन लाइन भी अर्जेंटीना में शिफ्ट करने की बात कर रहा था, जिससे सीमलेस प्रोडक्शन इन एयरक्राफ्ट का किया जा सके। लेकिन अब ये पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है और अर्जेंटीना द्वारा FC-1 को प्रोक्योर करने के चांसेस कम है, एंड इसका रीजन है USA। दोस्तों USA का डोमिनेंस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा है और ये बात हम जानते हैं, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई चाइनीज एयरक्राफ्ट इन रीजन्स में किसी कंट्री द्वारा लिए जाए और इनकी प्रोडक्शन भी इन कंट्रीज में हो। इसीलिए अभी देखा जा रहा है कि जितनी इस डील में FC-1 की दावेदारी है, उतनी ही तेजस की भी है। तो मामला काफी टफ होते हुए दिखाई दे रहा है, और जो कि ब्रिटिश के अर्जेंटीना के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, इस वजह से कोरियन FA-50 को भी ये एक्वायर नहीं कर सकते, नहीं तो FA-50 ही इनका फर्स्ट चॉइस था। और यहाँ पर तेजस के लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तेजस के कुछ कॉम्पोनेंट्स भी ब्रिटिश मेड है, जैसे कि तेजस का इजेक्शन सीट इसे ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकार द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, साथ ही तेजस का रेडार कोन और रिफ्यूलिंग प्रोब भी ब्रिटेन का है। तो अगर अर्जेंटीना तेजस को सिलेक्ट करता है, फिर इनके लिए स्पेसिफिक तेजस को बनाना पड़ेगा, जिनमें इन कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो रेडार कोन्स को वैसे ही हमारे द्वारा बनाने पर काम किया जा रहा है, और रही बात इजेक्शन सीट की, तो बात चल रही है कि रशियन कंपनी NPP ज़ेविट्ज़ा, जो इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है तेजस Mk1A के इजेक्शन सीट्स के लिए, और रिफ्यूलिंग प्रोब को भी कहीं से सॉर्ट कर लिया जाएगा। तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। और पहले अर्जेंटीना द्वारा ये भी बात उठी थी कि जो यूज्ड F-16s हैं, इन्हें ये एक्वायर कर सकते हैं, बट ये टेक्नोलॉजिकली काफी पुराने हैं अगर इन्हें कंपेयर करें तेजस Mk1A या फिर JF-17 Block 3 के साथ। और JF-17 से तेजस का कंपैरिजन करें तो JF-17 बहुत मामलों में तेजस से एडवांसमेंट्स लैक करता है, और क्वालिटी इश्यूज भी इसमें है, और ये बात अर्जेंटीना भी अच्छे से जानता है। साथ ही सर्विसेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज भी इसमें अर्जेंटीना को फेस करनी पड़ेगी। इसके कंपैरिजन में LCA तेजस Mk1A ज्यादा एडवांस्ड है, साथ ही ज्यादा रिलायबल कंपोनेंट्स को यूज करता है, इसीलिए इस मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि इनका इंटरेस्ट तेजस में ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। और तेजस को लेकर जो प्रोडक्शन का इशू था, उसको भी अब सॉर्ट कर लिया गया है नासिक में इसके एक और प्रोडक्शन लाइन खुलने के बाद। अब 24 तेजस हर साल हेल प्रोड्यूस कर पाएगा, तो हेल द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी डीले ना आए। तो इन सभी चीजों को अगर पॉजिटिवली देखें तो तेजस के चांसेस ज्यादा हैं इस डील को लेने के। साथ ही ALH ध्रुव एंड LCH प्रचंड को लेकर भी इनके द्वारा बातचीत हुई है, तो वहां पर भी हम कोई डील एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा एक पॉजिटिव न्यूज था हमारे लिए। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।